केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की फीस के पेमेंट के लिए आपको गूगल में केवी स्टूडेंट लॉगिन सर्च करना है, जिसमें आपको मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लिंक, जिसमें पीछे लिखा होगा केवी फी। यहाँ पर क्लिक करते ही जो पेज खुलेगा यूनियन फी पे, उसमें आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद राइट साइड में आप यहाँ पर एक मेनू देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है मेक पेमेंट। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का यूआईडी डालना है जो विद्यालय से आपको मिला हुआ होगा, जिसमें विद्यालय का कोड और स्टूडेंट का जो एसआर नंबर होता है वो लास्ट में अटैच्ड होता है। डेट ऑफ बर्थ में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप लिख भी सकते हो और सिलेक्ट भी कर सकते हो। फिर कैप्चा कोड डाल के आपको कर देना है लॉगिन, जिसमें आपके बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका यूनिक कोड जो है वो वापस दिखाई देगा। क्लास और कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगी। बाद में नीचे मेक पेमेंट जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दे देना है आपका मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी जो आपने स्कूल में दिया हुआ है वो। फिर जो फीस है पेबल वो दिखाई देगी और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो जिस बैंक से आप जुड़े हुए हो उस बैंक से लॉग इन करके आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन आप क्यूआर कोड भी सर्च कर सकते हैं और यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ क्यूआर कोड से। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड विथ पेमेंट। प्रोसीड विथ पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप यूपीआई आईडी भी दे सकते हो या फिर सीधा जो क्यूआर कोड है उसको भी स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में सारी डिटेल डिस्प्ले होगी, जहाँ पर आपको मोबाइल से आपका जो एप्लीकेशन है उसमें क्लिक करने के बाद सारा डिटेल डालना है और परमिशन देनी है। परमिशन देते ही आपका पेमेंट जो है वो मोबाइल से ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे ही हो जाता है यहाँ पर एक और पेज खुल जाएगा जो आपकी सारी ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिखाता है। ये ट्रांजेक्शन आईडी है वो आप अपने क्लास टीचर से ज़रूर शेयर कीजिए और इसका एक प्रिंट लेकर अपने पास सेव रखिए। ये हो गया आपका ऑनलाइन पेमेंट। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।